का जो बैक कैमरा है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। ये हमने यहाँ पे एलईडी लगा रखी, ये मैंने गाड़ी का बूट खोल दिया, ये कैमरे की वायरिंग निकाल रखी है मैंने, सब कुछ बैक वो एलईडी दिखाई दे रही है आपको जो बिल्कुल भी नहीं चल रही। दो दिन से इशू समझ में नहीं आ रहा कि कैमरे में हो क्या रहा। दोस्तों अपनी गाड़ी का जो बैक कैमरा था वो दो दिन हो गए काम नहीं कर रहा है, जो हमने इस एलईडी में लगवा रखा था, तो उसको अभी मैं चेक करके देखता हूँ घर पे कि इशू क्या है उसमें, कैमरा ख़राब है या उसको पावर नहीं मिल पा रही। तो मैं अभी गाड़ी की चाबी डालता हूँ, गाड़ी का इग्निशन ऑन हो चुका है और अब मैं इसको गाड़ी को बैक गियर में डालता हूँ। गाड़ी बैक गियर में डाल दी है लेकिन अब भी कोई मूवमेंट नहीं हुआ। अब इसको ऑन करके देखता हूँ एलईडी को। पहले क्या था कि ये ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती थी, जैसे बैक गियर डलता था तो ये ऑलरेडी अपने आप कैमरा ऑन हो जाता था, लेकिन अब नहीं हो रहा, ना ही एलईडी ऑन हो रही। तो पहले एलईडी को मैं चेक, हमारी एलईडी ऑन हो गई है। वो इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि मेरे हाथ थे वो गिल्ले थे और इसमें जो पावर ऑन ऑफ का है वो है टच का यहाँ पे, तो गिल्ले के कारण टच नहीं हो पा रही थी प्रॉपर, इसलिए ये ऑन नहीं हो रही थी। पहले क्या इशू था कि जैसे फर्स्ट बैक गियर डालते थे तो इसके अंदर पीछे का व्यू दिखाई देने लग जाता, लेकिन अब वो नहीं दिखाई दे रहा। तो एलईडी को मैं फिर से ऑफ़ कर देता हूँ, ठीक है, या अब ऑफ़ हो गई है। और अब मैं पीछे चल के देखता हूँ गाड़ी के, जहाँ पे कैमरा लगा हुआ है वहाँ पे गाड़ी को पावर मिलती है कैमरे को, तभी वो इसको सप्लाई देता है और ये ऑन होती है। तो उसको चेक करता हूँ। अब अपना बैक गियर डला हुआ है, देख लो ये बैक गियर की जो लाइटें होती हैं वो जल रही है, लेकिन सामने एलईडी नहीं चस रही। तो अभी मैं गाड़ी का बूट ओपन करता हूँ, उसके बाद इसकी वायरिंग को चेक करते हैं। अपना कैमरा ये यहाँ पे लगा हुआ था, ये अपने गाड़ी का लोगो लगा हुआ। तो चलो अब बूट के अंदर इसकी वायरिंग है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है बॉक्स, इसके अंदर इसकी कैमरे की वायरिंग है। ये इसकी वायरिंग है, तो इसमें जो ये येलो कलर की है ये तो है कैमरे को जो वीडियो क्वालिटी जाती है उसके लिए, और इसको मैंने अलग किया, लेकिन इसका इशू नहीं हो सकता क्योंकि इशू है शायद पावर सप्लाई नहीं मिलने का। और ये है इसकी पावर की, इसको निकाल के देखते हैं जलता है कि नहीं जलता है। ये है इसकी पावर की, अब मैंने एलईडी देख सकते हो आप, कुछ मूवमेंट नहीं है। अब इसको मैं फिर से डालता हूँ क्योंकि इसमें रस्टिंग आने के कारण शायद पावर नहीं मिल पा रही। 12 वोल्ट DC से चलता है अपना कैमरा। अब मैंने इसको फिर से लगा दिया है लेकिन एलईडी में अब भी कोई मूवमेंट नहीं आई। और इसका जो कनेक्शन है सप्लाई का वो इस वाली लाइट से है लेफ्ट साइड की, तो इसके लिए इसका एक स्क्रू खोलना पड़ेगा, उसके बाद इसको बम्पर को अलग करना पड़ेगा तभी लाइट निकलेगी। तो इससे पहले मैं एसी जो सॉकेट है अपना 12 वोल्ट का, पहले इस सप्लाई को यहीं चेक कर लेते हैं क्योंकि वहाँ खोलने से मेरे को लगता नहीं कि वहाँ पे मिस्टेक मिल सकती, क्योंकि वहाँ पे जो कनेक्शन है वो जेन्युइन हुए हैं, तो शायद कैमरे का फॉल्ट हो सकता है। तो अभी मैं कुछ 12 वोल्ट का सिस्टम लेता हूँ, उसके बाद इसको चेक कर। अब मैंने जो इग्निशन लाइट होती है 12 वोल्ट की एलईडी ये ली है, इससे मैं कैमरे को चेक कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो मैंने सॉकेट था पावर सॉकेट ये अलग कर लिया है, अब मैं इसे एलईडी से इसकी पावर को चेक करता हूँ कि इसमें पावर आ रही, क्योंकि बैक गियर डाल रखा है हमने, चाबी ऑन है गाड़ी, अभी ये नहीं जड़ा। तो इसमें क्या होता है कि माइनस प्लस का हमें पता नहीं चलता कौन सा माइनस है कौन सा प्लस है, तो इसलिए इसको पलटी करके लगा करता हूं। अभी भी नहीं जला, एक बार और ट्राई करते हैं, अगर अब भी नहीं जलाई तो हमारा फिर जो कनेक्शन है
बैक गियर का वो सही है, गलत है और हमारा कैमरा सही है, लेकिन ये जल गया। दिखाई दे रहा है, ये हमारा बात ये है कि हमारा कनेक्शन ठीक है कैमरे का, लेकिन हमारा कैमरा है वो ख़राब हो चुका है, जो एलईडी को सप्लाई नहीं दे रहा है। जो गाड़ी से सप्लाई मिल रही है बैक गियर में, आप देख रहे हो ये बैक गियर लाइट जल रही है और यहाँ पे भी हमारी लाइट आ रही है, लेकिन इसको अगर कैमरे में जोड़ते हैं तो कैमरा आगे सप्लाई नहीं भेज रहा है, इसी कारण हमारी जो एलईडी है वो ऑन नहीं हो रही है। तो अब मैं कल कैमरा लाऊँगा और इस कैमरे को घर पर रिप्लेसमेंट कर दूँगा। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कार पिचित्र पिचाड़मे को, आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने इसको दोबारा से वापस यहीं पे लगा दिया है। और ये एलईडी मैंने कहाँ से निकाली थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने गाड़ी से निकाली थी। इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूँगा आपको, जो गाड़ी के पार्किंग बल्ब होता है हेडलाइट में, मैंने उसमें इसको लगा रखा है। और मैं अब इसको दोबारा से लगा देता हूँ। ठीक है, वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। मैंने इसको यहाँ पे सेट कर रखा था और अब मैं इसको हेडलाइट के अंदर फिर से सेट कर देता हूँ आपको। ये आ गया, इसकी मैं एक डिटेल वीडियो बना दूँगा, कैसे बल्ब मैंने लिए हैं, कहाँ से लिए हैं, तो उसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बाद में आपको बना दूंगा चैनल पे। तो प्लीज़ चैनल को